हे गाइस वेलकम बैक टू हॉर्न। तो आज हम करेंगे बोट इमोर्टल ईयरबड्स की अनबॉक्सिंग। बेसिकली ये काफ़ी आरजीबी वाला एलियन टाइप का एक ईयरबड्स है जो कि हमने फ्लिपकार्ट से बाय किया है और इसमें हमें दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। तो हमने ऑर्डर किया था ब्लैक वाला। इनकी प्राइस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है 1660 रुपये। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बेसिकली बॉक्स के अंदर हमें एक टाइप सी वाला एक छोटा सा डेटा केबल देखने को मिल जाएगा जो कि आप अपने किसी भी मोबाइल के एडेप्टर से आप इसको चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट भी देखने को मिल जाते हैं, वारंटी कार्ड भी देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें एक साल की वारंटी भी देखने को मिल जाती है जो कि आपको कंपनी थ्रू आपको अगर आपको क्लेम करना है तो आप कंपनी थ्रू कर पाओगे, यहाँ पे फ्लिपकार्ट बीच में नहीं रहेगा। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पे हमें एलियन वाला एक बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल के डिज़ाइन है। यहाँ पे चारों ओर हमें यहाँ पे कुछ लाइटें वाइटें वगैरह देखने को मिल जाती है जो कि एक 3D टाइप की यहाँ पे हमें RGB देखने को मिल जाती है और ये ईयरबड्स में भी देखने को मिलेगी। तो बात करें साउंड क्वालिटी की तो इनकी साउंड क्वालिटी मैंने चेक की थी, काफ़ी कमाल की साउंड क्वालिटी है। यहाँ पे हमें दोनों ही ईयरबड्स में ENX टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है जो कि आपको क्लियर वॉइस कॉल प्रोवाइड कर देगी, मतलब कि इनसे आप कॉल में भी बात कर सकते हो वो भी अच्छी क्वालिटी के साथ। तो ये भी एक काफ़ी कमाल का फीचर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। और हाँ, दोनों ही ईयरबड्स में हमें अलग अलग सेपरेट माइक भी देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आप दोनों ही ईयरबड्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जाली वगैरह नहीं दी हुई है, यहाँ पे काफ़ी कमाल की एक गोल्डन प्लेट टाइप की यहाँ पे हमें जाली प्रोवाइड की गई है जो कि काफ़ी कमाल की है, यहाँ पे टूटने के चांसेस ना के बराबर है। बात करें चार्जर की तो यहाँ पे हमें किसी भी टाइप का एडेप्टर वगैरह देखने को नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमें टाइप सी का एक छोटा सा डेटा केबल देखने को मिल जाएगा जो कि आप किसी भी एडेप्टर से चार्ज कर पाओगे। इसी के साथ साथ अगर बात करें बैटरी बैकअप की तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 14 आवर्स की, मतलब कि ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होगा बिकॉज़ यहाँ पे हमें दोनों ही ईयरबड्स में RGB देखने को मिल जाता है इसलिए थोड़ा बहुत बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। लेकिन इसका कहना है कि आप 10 मिनट चार्ज करोगे तो आप 3 घंटे आराम से चला पाओगे, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर 10 मिनट चार्ज पे लगाते हो तो आप 1 से 2 घंटे आराम से कोई भी म्यूज़िक वगैरह प्ले कर पाओगे। क्योंकि इसका एक रीज़न है, दोनों ही ईयरबड्स में हमें RGB देखने को मिल जाती है, इसके कारण बैटरी थोड़ी बहुत ज़्यादा ही कंजप होने वाली है। बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में तो इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी कमाल की है, मतलब कि ठीक ठाक है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि काफ़ी कमाल की बिल्ड क्वालिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक मिड रेंज का एक प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है। बात करें ब्लूटूथ वर्जन की तो यहाँ पे हमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिनके कारण साउंड क्वालिटी काफ़ी कमाल की निकल कर आएगी। और यहाँ पे हमें वायरलेस रेंज मिल जाती है 10 मीटर की। बात करें IP रेटिंग की तो यहाँ पे हमें IPX4 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, मतलब कि ये डस्ट प्रूफ नहीं है। यहाँ पे अगर आप छोटे मोटे पानी के छिलके अगर इसके ऊपर आ जाते हैं तो इनसे ये ख़राब नहीं होगा, मतलब कि ये स्प्लैश एंड स्वेट प्रूफ है, यहाँ पे कोई भी ज़्यादा वाटर प्रूफ भी नहीं है और डस्ट प्रूफ भी नहीं है। बाकी ओवरऑल ईयरबड्स काफ़ी कमाल के हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हमें एक ही दिक्कत देखने को मिलती है क्योंकि ये बड्स बहुत ही छोटे होते हैं इसलिए खोने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने कान पे वगैरह लगाया है और अगर ये एक खो गया तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, इसलिए मेरे ख्याल से आपको नेक बैंड खरीदना चाहिए, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।